कुछ रहने की व्यवस्था चाहिए, जो भी कम बजट में आपको चाहिए होगी, और बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत से सपोर्ट, मतलब। तो यहाँ पे हम ओम बोलते हैं ना, तो वहाँ से ना बुलबुल आती है, देखो। ओम महाराज राजेश्वरी। हाँ, और भोलेनाथ के पुत्र है महाराज बाणासुर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज पूरा दिन है केदारनाथ में, और आज शायद हम घूमने के लिए जाएंगे इधर ही केदारनाथ में। तो हम लोग को एक दोस्त मिला था ऊपर, तो बोला कि केदारनाथ में जो वासुकी ताल है, जो केदारनाथ से कुछ 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेके जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको रहने के लिए टेंट या फिर कुछ रहने की व्यवस्था चाहिए, जो भी कम बजट में आपको चाहिए होगी, और बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत से सपोर्ट, मतलब वो सिर्फ आपको टेंट ही लेते, और खाना भी आपको बहुत अच्छा अच्छा आप लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग ने भी 3 दिन बिताए केदारनाथ में, और तीनों दिन बहुत अच्छा उन लोग ने सपोर्ट किया है। दयाल सिंह सेमवाल है, और सेमवाल रेस्टोरेंट से ये केदारनाथ में ये हमारा जो ये ढाबा है, और मैं 2015-16 से इस लाइन में हूँ, केदारनाथ लाइन में हूँ। जब भी आपदा आई थी उसके बाद से मैं जस्ट यहाँ पे हूँ, और हमारे यहाँ पे पूरे खाने सोने की पूरी व्यवस्था, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे बाहर से जो भी यात्री दर्शन करने आता है यहाँ पर रुकता है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे जो गद्दे रजाइयाँ देख लो, और हमारे अंदर टेंट लगे हैं, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था है, ना वहाँ पे पानी आता है, और बहुत अच्छे ढंग से आदमी वहाँ पे सोता है, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और खाने में जैसे हमारे यहाँ पे दुबई से हमारे पास एक कारीगर है, मेरा छोटा भाई, वो हर व्यंजन यहाँ पे बनाते हैं, जो भी यात्री की डिमांड रहती है उस डिमांड को वो पूरा करता है, और बहुत अच्छे ढंग से हम यात्री को खिलाते हैं। और यात्री जब यहाँ पे आता है, हमारी बातें, हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी कला है, उसे वो बहुत मोहित होता है, बहुत खुश होता है। और जब वो केदारनाथ के ऊपर जाता है, दर्शन करके वापस आता है, फिर वो यहाँ पे फिर बोलता है हमें यहीं पर बैठना है, यहीं पर हमें भोजन की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा, अरे वो व्यवहार होता है अपने पर, वो व्यवहार होता है कि आदमी अपने व्यवहार से किसी बाहर वाले को, किसी यात्री को कैसे वो कर सकता है। तो मेरा सभी यात्रियों से निवेदन, देश विदेश के यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप आए सेमवाल रेस्टोरेंट में आए, और आपको यहाँ पे खाने और सोने की पूरी व्यवस्था मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। गर्म पानी, अगर कोई यात्री फ्री में, हम आपको गर्म पानी देते हैं, चाहे पीने के लिए हो, चाहे हाथ पैर धोने के लिए हो, इसमें कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, और वो हमारे अलग से वो व्यवस्था है गर्म पानी का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, ठंडा पानी आदमी पी नहीं सकता है, हाथ पैर नहीं धो सकता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं गर्म पानी को यात्री के लिए। तो मेरे आप सभी लोगों से, बाहर से आने वाले यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप आए, और केदारनाथ से थोड़े 3 किलोमीटर पीछे ये छानी कैंप है, टॉप ये सेमवाल रेस्टोरेंट है, इसमें आए, और आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो हम निकल गए अब वासुकी ताल जाने के लिए, मतलब पहले केदारनाथ जाएंगे, फिर वासुकी ताल जाएंगे। और ये जो लोग हैं ना, सच में यहाँ के लोग हैं ना, आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। सच में मेरे को ना, मतलब ऐसा घर वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। तो अब मैं आया हूँ केदारनाथ से, आप थोड़ी मतलब वहाँ पे नज़दीक है एक ऐसा मंदिर है, जहाँ पे हम ओम या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो पानी से ना बुलबुले आते हैं। तो मैं अब आया हूँ रीता स्कूल में, जो केदारनाथ से बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे हम ओम बोलते हैं ना, तो वहाँ से ना बुलबुले आते, देखो। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले भोले।
राजा? महाराज राजेश्वरी। हाँ। और भोलेनाथ के पुत्र है महाराज बाणासुर। उनकी डोली है। उनकी डोली है। तो ये कौन सी माता है? महाराज राजेश्वरी। महाराज राजेश्वरी माँ, बहुत सुंदर डोली है। ये बाणासुर महादेव है। ये बाणासुर महादेव है। तो हम वासुकी ताल जा ही रहे थे तो हमें पंकज भाई मिले और उन्होंने बोला तो वहाँ पे हम लोग क्यों नहीं जा सकते अभी ऊपर, क्योंकि बोले अभी तो एक तो टाइम हो गया, सुबह आगे 7 बजे निकलते तो शाम को 4:30 बजे पहुँच जाते थे, अगर अभी निकलोगे तो रात को भी मुश्किल पहुँचोगे ऊपर का, और मौसम भी देख लो ख़राब हो गया है, धुंध बहुत हो गई है। तो अच्छा टाइम कौन सा जाने के लिए? अच्छा टाइम बोले सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। 7 बजे मॉर्निंग में, और 10 घंटा तो लगता ही है। हाँ। पूरा उधर ऊपर से पूरा पहाड़ी से चलने का। हाँ, उस पहाड़ के पीछे। ओ, उस पहाड़ के पीछे रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो आप लोग अभी जा ही नहीं सकते ना? ठीक है, चलेगा। तो अब वासुकी ताल का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि पंकज भाई ने बता दिया कि नहीं जा सकते, तो इसलिए आप सोच रहे कि जो केदारनाथ मंदिर है वहाँ पे, उस वहाँ से वहाँ पर वो देखो वहाँ पर एक मंदिर है तो वो देख के आते हैं, मतलब वो उसके सामने, मतलब यहाँ पे ना एक ऐसा, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरी उंगली है ना वहाँ पे ना, जब पांडव स्वर्ग से जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, तब जो उनके पास हथियार थे, जो भीम के पास गदा या फिर धनुष थी अर्जुन के पास, तो वो लोग ने ना उस जगह पे वहाँ पे उन लोग ने वो रख दिया था, वहाँ पे हम लोग को जाना था, पर अब मौसम ये इतना बिगड़ गया है, देखो पूरा आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए वहाँ पे भी नहीं जा सकते। तो अब वो भी प्लान कैंसिल हुआ, वासुकी ताल का प्लान भी कैंसिल हो गया। तो अब सोच रहे कि वहाँ जाके आए, वहाँ कौन सा मंदिर है वो देख के आए, क्योंकि यहाँ पे आज का दिन मतलब बहुत खास है, दिन है कि आज एक बहुत बड़ी ऐसा दिन है कि मतलब जो केदारनाथ की जो बहनें हैं वो केदारनाथ बाबा को राखी बांधने के लिए आते, क्योंकि अभी 31 तारीख को, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 तारीख को, तो 31 तारीख को रक्षाबंधन है, तो इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा होता है, और केदारनाथ में ये वाला दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सावन महीने ख़त्म होने के बाद ये पहला दिन होता है, तो इसलिए देखते हैं कि वहाँ जाके। तो दोस्तों उत्सव और उमकर तो वहाँ पे, तो मैं और अथर्व अभी वहाँ जा रहे हैं वो मंदिर को पैर पड़ने के लिए, क्योंकि 2 प्लान तो हमारे कैंसिल हो चुके हैं, तो अब शायद वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे और दर्शन करके आएंगे।